हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज के मेरे नए व्लॉग में। तो जैसे कि दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि काफी टाइम से मेरी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज मेरी वीडियो आई है। आज मुझे वीडियो डालते समय बहुत खुशी हो रही है। उसका खुशी का रीजन ये है कि आप लोगों ने जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और जो मेरे वीडियोज को आप लोगों ने इतना पसंद किया, इस वजह से मुझे यूट्यूब की तरफ से एक गिफ्ट मिला हुआ है, जो कि मुझे काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पहली बार मुझे यूट्यूब से कोई गिफ्ट मिला हुआ है। तो क्योंकि किसी भी कंटेंट क्रिएटर के लिए, किसी भी ब्लॉगर के लिए एक अच्छी बात होती है कि हाँ, कोई एक उपलब्धि उसको मिलती है यूट्यूब की तरफ से। तो वो मैं आज आपको दिखाने जाऊंगा, क्योंकि उसको मेरे लिए और सभी के लिए बहुत, ये आप लोग भी उसकी नतीजा है कि हाँ, आप लोगों की वजह से ही मुझे ये गिफ्ट मिला हुआ है। तो जो कि ये रहा वो गिफ्ट है, देख लीजिए आप, जो कि यूट्यूब की तरफ से आया हुआ है। इसमें अगर मैं आपको बता दूं, कोई अगर ये सोचे कि नहीं, ये तो खुद ही मंगा लिया होगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम खुद कोई चीज मंगाते हैं तो उसमें बिलिंग प्राइस वगैरह होती है। देखिए, इसमें कोई बिलिंग प्राइस वगैरह भी नहीं है, तो ये रियल गिफ्ट है। इसमें हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये हमने खुद से मंगाया हो या कुछ भी किया हो। और जो यूट्यूब की तरफ से जो मेल आता है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। आइए गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा मेरा हथियार। पहली बार मेरे चैनल पर किसी चीज की अनबॉक्सिंग होने जा रही है, तो प्लीज गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से पहली बार कोई गिफ्ट आया और मैं उसको अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। तो इसकी हम पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। तो देखते हैं क्या आया है। ओहो, बोया का माइक, और ये स्टैंड, तो इसको रखते हैं साइड, बाकी और कुछ नहीं है, देख लीजिए। तो सबसे पहले खोलते हैं इसको। ये इसका मैनुअल, देख लीजिए। ये है स्टैंड ट्राइपॉड, जो कि मोबाइल के लिए होता है। वाह, इसका प्राइस क्या होगा देखता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की तरफ से आया, फिर भी अपनी नॉलेज के लिए प्राइस की जानकारी तो होनी चाहिए कितने का है। इस पर लिखा हुआ है 2499 रुपये, ये लिखे हुए हैं इसके प्राइस 2499 रुपये। तो वैसे तो अच्छा लग रहा है ये। देखिएगा, ये रहा, और इसकी ये डंडियां भी फ्लेक्सिबल है। ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टैंड रहेगा ये, क्योंकि इसमें बस ये इस तरीके से ब्लॉगिंग होनी है। तो आई होप ये आप लोगों को पसंद आया है। ये इसको, इससे ये बॉल जो है ये लूज हो जाती है। इसको अगर हम कहीं पे भी सेट कर दें और फिर वहाँ से इसको हम टाइट कर दें, तो फिर ये हिलता नहीं है। और ये जो पीछे दिया हुआ है, ये कैमरे को टाइट करने के लिए दिया हुआ है। यानी जैसे कि अगर हम इस तरीके पे, हम इसको जैसे बंद करते हैं, इसको मैंने बंद किया और इसको भी बंद कर दिया। अब ये यहाँ पे इस तरीके से लॉक लग गया ये, और यहाँ पे जब हम कैमरा रखते हैं ना, तो जो DSLR कैमरा होता है तो उनको कसने के लिए होता है यहाँ पे। तो ये इसमें ये नहीं कि हम कैमरा घुमाएं जरूरत नहीं, यहीं पे ये दे रखा है, देख सकते हैं आप, ये इससे ये घूमता जाएगा, कैमरा आपका कस जाएगा उसमें स्क्रू से। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक तो ये हुआ, दूसरा ये बॉक्स खोल के देखते हैं। बोया का है ये BY MM1, देख लीजिए आप। और इसकी जो प्राइस है, की प्राइस इसमें दे रखी है 2995 रुपये, देख सकते हैं आप, 2995 रुपये इसकी प्राइस है। अब यूट्यूब की तरफ से आया तो ओरिजिनल ही होगा, तो हम इस पर कोई सवाल कर ही नहीं सकते कि नहीं ये लोकल होगा, क्योंकि बोया के माइक में भी मैंने सुना है कि काफ़ी सारे ओरिजिनल और लोकल प्रोडक्ट आते हैं, क्योंकि मैंने पहले की वीडियोज में देख भी रखा था। अब मैंने ये इसलिए देख रखा था क्योंकि मुझे माइक की और एक स्टैंड की ट्राइपॉड की मुझे ज़रूरत थी, और मैं खुद भी भाई इसको खरीदना चाहता था, लेकिन थैंक्स
के यूट्यूब की तरफ से मुझे ये सारी चीजें मिल गई बिना मुझे खरीदे। तो देख सकते हो ये इसका मफ और ये रहा इसका माइक, ये है इसका माइक आप देख सकते हैं, और ये है इसका विंड मफ, ये है मोबाइल के लिए ऑक्स केबल, ये है इसका स्टैंड, ये है DSLR के लिए केबल, ये है इसका पाउच, और बढ़िया लग रहा है, बोया का है, बोया की ब्रांडिंग रखी है। और ये सिलिका जेल जो कि आती है, और एक ये है क्या है ये इंस्पेक्शन टेस्ट है, यहाँ ये बोया की तरह से सर्टिफाइड है ये। तो आप देख सकते हैं कि ये सारी चीजें, तो आप देख सकते हैं गाइस ये रहा स्टैंड, ये माइक, और ये इसका कैमरे में अटैच करने के लिए, ये DSLR के लिए, ये मोबाइल के लिए, और ये विंड मफ है इसका, और ये मेरा है, ये यूट्यूब की तरफ से नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं, आई होप आपको पसंद, आप लोगों ने मेरी वीडियो पसंद की है, मेरी वीडियो को लाइक किया है, इस वजह से मुझे गिफ्ट मिला हुआ है। अभी हम इसको चेक भी करेंगे कि हाँ ये इसमें ऑडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, और इसमें हम अपना मोबाइल लगाकर चेक करेंगे कि हाँ कहीं मोबाइल गिर तो नहीं रहा है या कैसी क्या चीज़ें हैं। तो बहरहाल मुझे YouTube की तरफ से काफ़ी ऐसी अच्छी चीज़ें मिली हुई हैं, हम इसको चेक करते हैं, इसको असेंबल करते हैं। अब हम आइए इसको असेंबल करते हैं एवेंजर्स की तरह। सबसे पहले ये लगाते हैं, इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, कभी कभी डर लगता है कि टूट ना जाए, पहली बार कोई चीज़ आई। ये है कि ऑक्स केबल मोबाइल के लिए, क्योंकि मेरे पास अभी इतना बजट नहीं है कि मेरे पास DSLR है, तो अभी हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं मोबाइल से ही करते हैं। अब ये तो हो गया पूरा रेडी, अब इसको बस इस मोबाइल से अटैच करना है बस। अब इसको देखते हैं, पहले मैं इसमें माइक अटैच करूँगा, इसमें माइक के लिए भी दे रखा है कि हाँ आप इस पर आप आसानी से माइक अटैच कर सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंड दे रखा है इसको बस यहाँ पे ऐसे अंदर करना है, और ये जो स्क्रू है इसको जो स्टैंड में ही दे रखा है उसको बस कस देना है, और ये ऑटोमेटिक देखिए कस जाएंगे। अब इस मोबाइल को लगा कर देखते हैं, तो गाइस ये रहा पूरा एक सेटअप, आप देख सकते हैं अच्छा लग रहा होगा, आराम से आप इससे ब्लॉगिंग कर सकते हैं। मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा ये, आप लोग भी ऐसे सपोर्ट करते रहिए ताकि मुझे यूट्यूब आप जो मेरे सब्सक्राइबर हैं यानी कि जो मेरा टारगेट है सबसे पहले तो वही कंप्लीट हो जाए। तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर, अभी मैं आपको इसकी ऑडियो टेस्टिंग भी करके दिखाता हूँ कि हाँ इससे आवाज़ कैसी आती है। तो दोस्तों अभी जो आप ये आवाज़ सुन रहे हैं मेरी, ये है बोया M1 माइक से। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो भी आवाज़ की क्वालिटी आ रही होगी वो काफ़ी अच्छी है। अभी हम इसको ऊपर लेकर जाते हैं, फिलहाल तो मैं अभी घर के अंदर हूँ तो इस वजह से आवाज़ आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। अभी मैं ऊपर जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जो बर्ड्स वगैरह हैं उनकी आवाज़ आ रही है, तो अभी मैं वहाँ पे जाके चेक करता हूँ कि हाँ कैसी आवाज़ आ रही है। तो गाइस अभी मैं ऊपर आ गया हूँ छत पे, तो जैसे कि यहाँ पे काफ़ी सारी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि इसमें भी काफ़ी आवाज़ आ रही हो, वो मैं अभी जब एडिटिंग करूँगा तब पता चलेगा कि हाँ कितनी आवाज़ आ रही है कैसी क्या है। अभी मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि हाँ कैसी क्या आवाज़ है। तो ये था मेरे लिए YouTube की तरफ से गिफ्ट, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई है तो कृपया अगर ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। और अब कोशिश करूँगा कि वीक में एटलीस्ट दो वीडियो तो डाल ही दूँ, क्योंकि क्या है कि जो ये चैनल है मेरा व्लॉगिंग का चैनल है, तो इसमें किसके लिए मुझे बाहर जाना पड़ता है, इधर जाना पड़ता है, तो उसमें वीडियो बनाने में फिर उसको एडिट करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी कि मैं एक वीक में कम से कम दो वीडियो जरूर डालूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े और
नए नए टॉपिक पे ही वीडियो आएगी, यानी कि जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, यानी जहाँ मैं जाता हूँ या जो अच्छी अच्छी जगह जाता हूँ उन सभी चीज़ों की वीडियो डालूँगा। तो और ये देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि मैं किस तरीके से माइक लगाए हुए हूँ, पीछे शीशे में आपको दिख रहा होगा। तो कैमरा अच्छा है, आई मीन टू से माइक अच्छा है, और जो ट्राइपॉड है वो भी अच्छा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।